तो आज का हमारा वीडियो है वर्चुअल माउस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप एंड्रॉयड टीवी में अपने रिमोट से ही यहाँ पर माउस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर रहा है, और ये एंड्रॉयड टीवी में, गूगल टीवी में, सभी एंड्रॉयड बॉक्स में ये वर्क करता है एप्लीकेशन। और इसमें कई सारे और भी फीचर मिल जाएंगे, तो मैं आपको सभी फीचर के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो आपको कोई भी माउस परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको रिमोट से डबल टैप करना है नीचे, तो आपका यहाँ पर नीचे स्क्रॉल हो जाएगा। और ये बेस्ट माउस है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको कई सारे और भी फीचर मिल जाएंगे, तो मैं आपको सभी फीचर के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नीचे स्क्रॉल करना है या आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, तो आपको डबल टैप करना है रिमोट में। तो ये बेस्ट माउस एप्लीकेशन है, तो आप ओल्ड एंड्रॉयड टीवी में ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। और भी यहाँ पर कई सारे फीचर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो एंड्रॉयड टीवी के रिमोट है उसमें कम बटन आते हैं, तो आप एक ही बटन से यहाँ पर 5 एक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप एक ही बटन से यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर सकते हैं, यूट्यूब ओपन कर सकते हैं, माउस ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सभी एक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आप 1 क्लिक में यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो गया है। तो यहाँ से आप अपने टीवी के रिसेंट एप्लीकेशन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, और आपको क्लीन करना हो तो क्लीन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करना हो तो ओपन भी कर सकते हैं। तो ये फीचर से आपकी टीवी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर कई सारे और भी फीचर मिल जाएंगे, जैसे यहाँ आपको कोई एप्लीकेशन में लॉक रखना हो तो यहाँ पर आप लॉक भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पिन डालना होगा, तभी ये एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन होगा। तो ये भी बेस्ट फीचर है, और आप यहाँ पर कई सारे और भी फीचर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है, उसमें आपको सर्च करना है टीवी क्विक एक्शन प्रो, तो यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगा। और ये एप्लीकेशन प्रीमियम एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ पर आ गया है टीवी क्विक एक्शन प्रो। तो ये एप्लीकेशन आपको अपने एंड्रॉयड टीवी में डाउनलोड कर लेना है। और एप्लीकेशन पेड एप्लीकेशन है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 180 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, तभी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इस एप्लीकेशन के डेवलपर ने मुझे 10 फ्री कोड दिए है गिव अवे करने के लिए, तो आप सभी में से कोई लकी 10 व्यूअर को ये एप्लीकेशन फ्री में दूंगा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कई सारे आपको फीचर मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी इसके फीचर है। तो आप अपने रिमोट से माउस यूज़ कर सकते हैं, एक ही बटन से यहाँ पर आप 5 एक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और भी कहीं यहाँ पर आपको फीचर मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम लेआउट चेंज कर सकते हैं, रिसेंट एप्लीकेशन क्लोज कर सकते हैं। और भी यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, स्लिप टाइमर मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको सेटअप कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो एप्लीकेशन बेस्ट है, आप 180 रुपीज़ इसके लिए पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते कई सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एग्री करना पड़ेगा। तो आपको एसिबिलिटी सेटिंग यहाँ पर आपको ऑन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको पहले नीचे जाना है सेटिंग में, डिवाइस प्रेफरेंस वाले ऑप्शन में, फिर यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है एसिबिलिटी सेटिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिबिलिटी सेटिंग आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको सिंपली ओके करना है। और ये सेटिंग सबको करनी पड़ेगी जो ये एप्लीकेशन ओपन करेगा, तो यहाँ पर आपको एसिबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी क्विक एक्शन प्रो, तो यहाँ पर आपको सिंपली इनेबल करना है। तो आपकी एक फर्स्ट सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और 2 सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको फिर से सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो टीवी की सेटिंग आती है वहाँ पर आपको चले जाना है, फिर आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है एडिशनल सेटिंग पर, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करना है डिवाइस प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, बिल्ड का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर आपको 8 बार टैप करना है, तो आपके रिमोट से 8 बार आपको ओके करना है। तो यहाँ पर आपका डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल हो गया है। फिर आपको बैक कर देना है, और फिर यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेवलपर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन आ गया है डेवलपर का, यहाँ पर आपको सिंपली ओके करना है, और यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है USP डबिंग पर। तो सिंपली ये सेटिंग को आपको ऑन कर देना है, तो आपका यहाँ पर 2 सेटिंग कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है, और ये सभी एंड्रॉयड टीवी में ये सेटिंग करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप्स वाला ऑप्शन है, ऊपर चले जाना है, और यहाँ पर आपको एक परमिशन दे देनी है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है स्पेशल ऐप एक्सेस में, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर्स एक्सेस में, तो यहाँ पर आपको सिंपली ओके करना है, और यहाँ पर आपको टीवी क्विक एक्शन को यहाँ पर परमिशन दे देनी है। तो यहाँ पर आपको सिंपली ओके कर देना है। तो ये हमारी तीनों सेटिंग कंप्लीट हो गई है। फिर आपको एप्लीकेशन ओपन करना है, और आपको सभी सेटिंग में आपको बताऊंगा आपको कैसे सेटअप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। और एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है, तो ये एप्लीकेशन आप सभी एंड्रॉयड टीवी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी क्विक एक्शन, यहाँ पर इसको आपको सिंपली ओके करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो गई है,
फिर आपको यहाँ पर एक नीचे सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है ADB। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ADB सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पर आपको यूज़ ADB फॉर माउस, तो ये माउस की सेटिंग है, तो यहाँ पर आपको सिंपली ऑन कर देना है। तो ये सेटिंग यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई है। फिर यहाँ पर आपको एलो कर देना है और यहाँ पर आपको सिंपली ओके कर देना है, तो जो USB डबिंग है यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर आपको बैक करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। फिर आपको यहाँ पर बटन एंड एक्शन वाले ऑप्शन पर जाना है, तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है बटन एंड एक्शन वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको बैक बटन डिफॉल्ट सेट होगा, तो यहाँ से आप कोई भी रिमोट का यहाँ पर बटन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके रिमोट में जो भी बटन आपको ऐड करना हो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड बटन का, तो आप कोई भी बटन ऐड कर सकते हैं। मैं आपको सिंपली दिखाने के लिए बैक बटन ही मैंने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस वाला यहाँ पर ऐड करना है, तो आप सिंगल टैप, डबल टैप या लॉन्ग प्रेस कोई भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपको एक पैनल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको नीचे आना है मैन्यूअल पैनल पर। तो मैंने यहाँ पर पैनल बनाई है, आपको सेम टू सेम पैनल बनानी है, और आपको कोई भी और पैनल बनानी है तो बना सकती है। तो यहाँ पर आपको टाइटल दे देना है, आपको जो भी यहाँ पर टाइप करना हो टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरे चैनल का टाइम टाइप कर देता हूँ, आपको जो भी यहाँ पर टाइप करना हो टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एंड्रॉयड टीवी हेल्पर यहाँ पर टाइप कर दिया है। फिर आपको सिंपली यहाँ पर आपको ओके कर देना है, तो हमारा जो टाइटल है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर आपको सिंपली यहाँ पर ओके कर देना है, तो ये हमारी जो न्यू पैनल क्रिएट हो रही है। तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए कैसे करना है, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आइकन वाले ऑप्शन में जाना है, फिर यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक आइकन सिलेक्ट कर देता हूँ, तो आपको भी सिंपल ये आइकन यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, और आपको जो भी पैनल बनानी है वो बना सकते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ट है, इसमें आप कहीं सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी एंड्रॉयड टीवी में। फिर आपको यहाँ पर एक्शन वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं सारे आप एक्शन दे सकते हैं। एक ही बटन से यहाँ पर आप 5 एक्शन दे सकते हैं, अप, लेफ्ट, ओके, डाउन एंड राइट। तो ये सभी एक्शन यहाँ पर आप दे सकते हैं, आपको जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना हो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक ही बटन से यहाँ पर 5 एक्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना हो, यहाँ पर मैं प्ले स्टोर सिलेक्ट करता हूँ, तो जो अप वाले बटन से मैंने प्ले स्टोर यहाँ पर ओपन किया है। फिर जो लेफ्ट वाला बटन है, तो यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना हो, जैसे यहाँ पर यूट्यूब में ओपन कर लेता हूँ, तो आप एक ही बटन से यहाँ पर 5 एक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके बटन से भी आप कर सकते हैं आपको जो भी करना हो। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट वाले बटन से मैं यहाँ पर आपको ऊपर जाना है फीचर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको माउस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर रिसेंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट एप्लीकेशन, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट ऐप यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पर आप राइट बटन पे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर ओके करना है, और फिर से यहाँ पर आपको फीचर वाले ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पर आप एक ही बटन से 5 एक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको फीचर वाले ऑप्शन में जाना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं माउस यहाँ पर कर्सर ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारी 5/5 एक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आप ओके बटन से भी यहाँ पर कोई भी एक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं की है। फिर यहाँ पर आपको बैक कर देना है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी यहाँ पर हमारा जो पैनल है वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको सिंपली बैक करना है, और यहाँ पर आपको जो भी एक्शन यहाँ पर रखनी है, तो यहाँ पर आपको सिंपली ऊपर जाना है बटन वाले ऑप्शन पर, फिर यहाँ पर आपको सिंपली ओके करना है। तो यहाँ पर आप सिंगल प्रेस, डबल प्रेस या लॉन्ग प्रेस, तो यहाँ पर मैं लॉन्ग प्रेस पर ओके करता हूँ। फिर यहाँ पर आपको मैन्युअल पैनल वाले ऑप्शन पर जाना है, तो यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप कोई भी और भी यहाँ पर पैनल ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैनल ऐड की थी, यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ पर आपको सिंपली ओके कर देना है। तो लॉन्ग प्रेस में यहाँ पर आपकी पैनल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। फिर आपको यहाँ पर सब कुछ बैक कर देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सब कुछ बैक कर देता हूँ। फिर आप यहाँ पर बैक बटन मेरा डिफॉल्ट सेट है, तो यहाँ पर आप मैंने प्रेस किया लॉन्ग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर पैनल आ गई है। तो यहाँ से आप माउस यूज़ कर सकते हैं, और रिसेंट एप्लीकेशन है यूट्यूब ओपन कर सकते हो, या यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो ये बेस्ट है, बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही बटन से आप 5 एक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और 1 क्लिक में यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर रिसेंट एप्लीकेशन का यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, और एप्लीकेशन बेस्ट है। इसके लिए आप 180 रुपीज़ पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं सारे आप यहाँ पर आपको कस्टमाइज मिल जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक साथ रिसेंट एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं, या आपको ओपन करना हो तो डायरेक्टली यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पर अपनी टीवी भी फास्ट वर्क करेगी, क्योंकि जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है सभी क्लोज हो जाएंगे, तो आपकी टीवी यहाँ पर फास्ट वर्क करेगी। और भी कहीं सारे इसमें आपको कस्टमाइज मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको फिर से एप्लीकेशन ओपन करना है, आप यहाँ पर बटन भी कोई भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बटन एंड एक्शन वाले ऑप्शन में जाना है,
और यहाँ पर आपको कोई भी और रिमोट का बटन ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। बैक बटन डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट है, तो आप अपने रिमोट में जो नेटफ्लिक्स का बटन आता है वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है, फिर आपको यहाँ पर जनरल में जाना है और यहाँ पर आप नेटफ्लिक्स बटन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन बेस्ट है और इसमें आप कहीं सारे और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको लॉक ऐप है तो आपको अपने जो एप्लीकेशन में लॉक रखना है तो लॉक भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल एक पिन सेट कर देना है और आपको जो भी एप्लीकेशन में लॉक रखना हो तो लॉक भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिसेंट न्यू पिन, तो यहाँ पर आपको सिंपली ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे ऐप्स के, तो आपको जो भी लॉक रखना हो तो यहाँ पर आपको सिंपली ओके कर देना है, तो लॉक भी रख सकते हैं आपको जो भी एप्लीकेशन में लॉक रखना हो। और भी कहीं सारे इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर माउस मोड है, कहीं सारे और भी कस्टमाइज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बैकअप भी रख सकते हैं, मीडिया कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आप एक ही बटन से 5 एक्शन ले सकते हैं। और इसका जो माउस है वो बेस्ट वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं सारे बैकअप का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बेस्ट एप्लीकेशन है, ऑल एंड्रॉयड टीवी में ये एप्लीकेशन वर्क करेगा और आपको गूगल टीवी है उसमें भी ये एप्लीकेशन वर्क करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन आपको रिमूव करना है, हाइड करना हो तो हाइड भी कर सकते हैं। और भी यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाएंगी, सभी सेटिंग यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट कर लेना। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो हमारा जो क्विक एक्शन है उसको यहाँ पर टाइम भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। जैसे हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसका भी यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आप कहीं सारे यहाँ पर आपको कस्टमाइज मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक सेटिंग यहाँ पर आ गई है। तो इसकी यहाँ पर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, आपको टाइमिंग ज़्यादा करनी हो तो टाइमिंग भी ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग प्रेस ज़्यादा रखना पड़ेगा तभी ये ओपन होगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइमिंग चेंज कर दी है, तो आप जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे बैक बटन को इतना लेट ओपन होगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और भी कहीं सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, सब भी ऑप्शन यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्शन में भी कहीं सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करना है एक्शन वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको कोई भी एक्शन यहाँ पर चेंज करनी हो तो यहाँ पर आपको फीचर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक्शन में। और भी कहीं सारे यहाँ पर आपको कस्टमाइज मिल जाएंगे, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो तो वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और भी कहीं सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो बेस्ट एप्लीकेशन है, तो आप एक बार अपने एंड्रॉयड टीवी में एप्लीकेशन चेकआउट करके देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर टीवी इनपुट है वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट HDMI में यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको शॉर्टकट एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करना हो तो वो ओपन भी कर सकते हैं। तो ये एक बार आप एप्लीकेशन ट्राई कर लीजिए, बेस्ट एप्लीकेशन है और माउस भी बेस्ट वर्क करता है, तो आप जियो टीवी भी इंजॉय कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन के डेवलपर ने मुझे 10 फ्री कोड दी है गिवअवे करने के लिए, उसका रिजल्ट कम्युनिटी टैब में पोस्ट करूंगा और उसके लिए आपको नीचे कमेंट कर देना है, कमेंट से ही मैं रेंडमली पिक करूंगा। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो।